Okay, so very good evening to all of you all. Good evening, ma'am. Wonderful. कल हमने इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था. इनफैक्ट लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इस बारे में हमने कुछ चीजें डिस्कस भी की थी. पहले हम उसे एक मिनट में रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. सो यस, गुड इवनिंग टू ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स आल्सो. हेलो एवरीवन. बेटा स्टॉप टर्निंग योर पेजेस. चलो अच्छा, मुझे आप लोग बता सकते हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? विच इज द वाइडर टर्म, लॉ और एक्ट? अच्छा, लॉ इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, बोलो. वेरी गुड. और एक्ट इज इक्वल टू व्हाट? सेक्शन प्लस सब सेक्शन. ओके, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ अ पर्टिकुलर एक्ट इज मेड. कोई भी एक्ट, ओके, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी की एक्ट है, या चाहे कोई भी कानून क्यों ना हो जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया हो, ये एक्ट्स को बनाया कैसे जाता है, इसका प्रोसीजर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं. इनफैक्ट आज का जो कुछ आधे घंटे का नॉलेज है, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एवरी काइंड ऑफ लॉ दैट यू आर गोइंग टू लर्न. तो चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हो, मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हो, या फाइनेंस लॉ पढ़ रहे हो, या कोई भी किस्म का लॉ आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट यू शुड नो हाउ एन एक्ट इज मेड. और उसके बाद ही तो हम एक्ट की शुरुआत कर सकते हैं ना. तो आज हम लोग हमारे सिलेबस की पहली एक्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्ट ऑफ आवर सिलेबस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे हाउ एन एक्ट इज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर हम लोग कोई एक्ट बना भी रहे हैं भारत देश में, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कोई भी कानून को बनाने के लिए, ये चीज हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, पहली बात तो मैं आप सब लोगों से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आप में से कोई जानता है कि एक्ट को बनाया कैसे जाता है? बिल पास करवा के. हाँ, तो बिल कौन बनाता है, पास कौन करता है, कंसेंट कौन देता है? एक ही डोंट प्रॉम द आंसर. मैं चाहती हूं कोई भी एक बच्चा जवाब दे. रेज योर हैंड, आई टेल दैट आंसर, टेल दैट स्टूडेंट टू टेल द आंसर. बोलो ना. हाँ बोलो बेटा. ओके, क्या बात है, वंडरफुल बेटा. नाम क्या है आपका? जोरदार तालियां विकास के लिए. मैं बताती हूँ उसने क्या कहा, पर उसके पहले आई वुड लाइक टू रीड सम ऑफ द आंसर्स गिवन बाय माय वर्चुअल स्टूडेंट्स. राशि कहती है, मैम पहले बिल बनता है, बिल इज लेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट. बहुत ही बढ़िया यार, आप लोग काफी होशियार बच्चे हो. आई थिंक ऑलमोस्ट टैक्स, अच्छा टैक्स में आज ही पढ़ाया क्या? फाउंडेशन में मैंने पढ़ा है, बट कल कैसे फोरफीचर के एंट्री पूछने के बाद थोड़ा सा मैं घबरा गई थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट यस, आज टैक्स में पढ़ा, इसलिए आई थिंक यू ऑल नो. बट ठीक है, चलो टैक्स में पढ़ा है, दैट्स वंडरफुल थिंग. बट एज अ टीचर इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट हाउ एन एक्ट इज मेड. और इसीलिए मैं उसको स्किप नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ. तो आई थिंक डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ एन एक्ट इज मेड. कहीं अगर आपको लगे कि आपको और डिटेल में कुछ जानना है या आपको कुछ पूछना है, तो ऑफकोर्स यू कैन स्टॉप मी देर एंड देर इट सेल्फ एंड यू कैन टेल मी मैम और डिटेल में बताओ, या और कुछ जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए आप जरूर मुझे रोक के पूछ सकते हो. तो देखो क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो अभी क्या हुआ है. आपने कौन सी सरकार चुनी है आप बता सकते हो मुझे? भारत. यस. अच्छा देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूं. मोदी जी जो है उन्हें एक काम नहीं है, ही हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टफ टू डू. यस और नो गाइस? तो उन्हें तो पूरा देश चलाना है. अब अगर उन्हें पूरा देश चलाना है, ऑब्वियसली बात है हर छोटी छोटी चीज पे वो ध्यान नहीं दे सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया है,
इस देश को चलाने के लिए उन्होंने अपनी सेना बनाई हुई है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हम देखते हैं भारत देश में है, और हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक डोमेन है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, कुछ एग्जांपल्स अगर देने होंगे, आपने देखा होगा देयर इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है जो इंडिया में है। और इन्हीं मिनिस्ट्रीज के होते हैं अपने हेड्स, जिनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। I'll just show you the list of all the ministries in India. देखो, ऐसे क्यों दिख रहा है? ये देखिए, जूम इन करना है। लुक, दीज आर ऑल दी मिनिस्ट्रीज दैट वी हैव इन इंडिया। तो अगर आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ, यहां पे दिख रहा है कॉरपोरेट अफेयर्स, उन्हीं के जो हेड है जिनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमण। उसके साथ साथ हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वापस से हेड जो है इज निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह का नाम आपने सुना ही होगा, हाँ है ना। साथ साथ में वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऐसे करके करके अगर आप देखोगे वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्ट्रीज जो है वो इंडिया में है, एंड एवरी मिनिस्ट्री हैज इट्स ओन हेड, जिनको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऐसे करके इन सब लोगों के साथ मोदी जी जो है देश को चलाते हैं। ऑब्वियसली वो अकेले सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट हैज ही डन, ही हैज डेलीगेटेड हिज वर्क, और अलग अलग एरियाज में किसी को टूरिज्म, किसी को एजुकेशन, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को स्टील, किसी को कॉरपोरेट अफेयर्स, किसी को फाइनेंस, किसी को एक्सटर्नल अफेयर्स, इन लोगों के हेड्स बना दिए हैं और उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो बेसिकली अब उन्हें एक एक पर्सन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हेड से भी कनेक्ट कर दिया। ही विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, एंड वगैरह वगैरह। तो अब कल जाके अगर मोदी जी को लगे, एक तो हो सकता है मोदी जी को लगे दैट वी नीड टू मेक अ लॉ और चेंज अ लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज, हो सकता है जैसे कि पीछे ऐसा हुआ था जब ये सत्यम का बड़ा स्कैंडल हुआ था, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कैंडल दैट हैड हैपेंड इन सत्यम लिमिटेड। जब इतना बड़ा स्कैंडल इंडिया में हुआ, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले लोगों ने क्या किस पे उंगली उठाने की कोशिश की है, गवर्नमेंट पे, कहा कि इतना बड़ा आपने कंपनीज एक्ट बना लिया, ये कंपनीज एक्ट बना के आपने कर क्या लिया, इतने एक्ट्स, इतने प्रोविजंस, इतने पनिशमेंट, सब कुछ था, बट फाइनली अगर फ्रॉड होना था हो ही गया। और फ्रॉड होने की वजह से देखो सबसे ज्यादा नुकसान जिसका होता है दैट इज आम जनता, पब्लिक का। अब पब्लिक एट लार्ज का अगर नुकसान हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले उंगली अगर उठेगी तो गवर्नमेंट पे उठेगी। तो क्वेश्चन तो यही अराइज हुआ कि गवर्नमेंट ने कानून बना लिया बट इसका फायदा क्या हुआ, अगर लाखों क्या करोड़ों लोगों पे ये इंपैक्ट हो रहा है, बिकॉज सत्यम लिमिटेड वाज आल्सो लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, इंडिया में तो उसके शेयर्स लिस्टेड थे, अलोंग विद दैट इट वाज आल्सो लिस्टेड ऑन वेरियस इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, तो सिर्फ इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज नहीं, इट वॉज ऑल्सो लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हिल गया, और अगर वो हिल जाता है तो दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो डगमगा जाते हैं।
तो अब हो सकता है उस जमाने में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, नाउ वी हैव टू चेंज द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, क्योंकि कंपनीज एक्ट इसके प्रीवियस वाला जो लॉ था ना वो बना था इन द ईयर 1956। बट आपको क्या लगता है 1956 का जमाना और आज का जमाना सेम है या अलग अलग है? कितने सारे जनरेशन्स पास हो चुके हैं और बदलते वक्त के साथ क्या हमारे कानून को भी बदलना जरूरी है? हो सकता है तब के लोग ज्यादा सिंसियर हुआ करते थे, लॉयल हुआ करते थे, आज के जमाने के मेजॉरिटी लोग चोरी है, मेजॉरिटी लोगों के इंटेंशंस खराब ही होते हैं, ट्रस्ट फैक्टर आजकल बिल्ड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है बदलते वक्त के साथ, बदलते लोगों की मेंटालिटी के साथ साथ क्या हमारे कानून को भी बदलना जरूरी है? तो यस, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या तो रूलिंग पार्टी को या तो इवन दैट पर्टिकुलर कंसर्न मिनिस्ट्री को स्यू मोटो मतलब खुद होके ऐसा लगा होगा कि नहीं अब वो समय आ चुका है जब हमें कंपनी से रिलेटेड कानून को बदलना जरूरी है। अब हम 1956 एक्ट को और ज्यादा खींच नहीं सकते हैं, जमाना काफी बदल चुका है और बदलते जमाने के साथ हमें हमारे कंपनी से रिलेटेड कानून को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूं, कंसर्न मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट दे आर एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हाट दे डू इज दे प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। हम अब उसको एक्ट नहीं कह सकते बिकॉज फॉर्मली वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। करेंटली हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एज अ ड्राफ्ट। सो ड्राफ्ट इज बेसिकली लाइक अ रफ कॉपी ऑफ योर एक्ट जो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो आपने क्या किया है, ये मिनिस्ट्री के लोग ने, कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग ने, अब देखो हम कंपनीज एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंपनीज को कौन सा मिनिस्ट्री गवर्न करता है, इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कौन सा मिनिस्ट्री, एक बार सब लोग बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी रिपीट करना है, ठीक है? यही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जो हेड है कैबिनेट मिनिस्टर वो कौन है, निर्मला सीतारमन। वेरी गुड। अब वो क्या करेगी, वो खुद अपनी टीम के साथ एक ड्राफ्ट बनाएगी और यही ड्राफ्ट जो है विल बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। विच आर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कैन यू ऑल टेल मी? द लोकसभा एंड द राज्यसभा। यस, दिस एवरीबडी नोज, आपने 8th, 9th, 10th सिविक्स में पढ़ा है स्कूलिंग ईयर्स में। तो क्या होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग, जैसे कि अगर हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये वाली एक्ट में जो अमेंडमेंट्स लाने हैं, रूल्स इंट्रोड्यूस करने हैं या नई एक्ट बनानी है, कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग बनाएंगे। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट नहीं देख रहे, हम लोग हमारे सिलेबस में कौन सा एक्ट देख रहे हैं, पहला कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को गवर्न किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो यही लोग जो है क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं प्रपोज्ड एक्ट का। अब मैं एक्ट नहीं कह सकती हूं क्योंकि एक्ट नहीं बना है, इसलिए मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, प्रपोज्ड एक्ट। क्या शब्द इस्तेमाल किया, प्रपोज्ड एक्ट। एंड दिस प्रपोज्ड एक्ट इज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। वंस इट गेट्स पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट गोज to our honorable president of India for his consent. Consent या assent जो कहना है, it's the same thing. Consent मतलब मंजूरी। एक बार it is passed by both the houses of the parliament, लोकसभा में भी pass हो गया, राज्यसभा में भी pass हो गया। उसके बाद ये draft जो है वो जाता है हमारे honorable president of India के पास उनके मंजूरी के लिए, उनके consent के लिए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, who is the current president of India? बोलिए, general knowledge, Mr. Ram Nath Kovind। Yes, so आपने सब इन्हें देखा ही होगा, फिर भी मैं एक बात बता देती हूँ, मिस्टर राम नाथ कोविंद, ये देखे, क्या आप इस चेहरे को जानते हो? क्या बोल रहे हो, कुछ वाहियात ही बोला है आपने। सो यस,
सो द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर रामनाथ कोविंद और उन्हीं के पास ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट जाता है. वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज कंसेंट टू द ड्राफ्ट इट बिकम्स एन एक्ट. व्हाट डज इट बिकम? एन एक्ट. इट बिकम्स दिस ड्राफ्ट बिकम्स एन एक्ट. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, देखो अगर मुझे समरी देनी हो, सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग जो है वो ड्राफ्ट बनाएंगे. कंपनीज एक्ट अगर बनाना है तो कंपनीज एक्ट कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. साथ साथ में वंस इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इट विल बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. जब मैं कहती हूं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट मीन्स लोकसभा एंड द राज्यसभा. जैसे ही ये ड्राफ्ट लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है इट गोज टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर रामनाथ कोविंद फॉर हिज कंसेंट. आई जस्ट चेक दैट. हाँ, लोअर हाउस लोकसभा एंड आफ्टर दैट राज्यसभा एंड देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट. फिर भी मैं देख लेती हूँ. आई जस्ट चेक एंड आई लेट यू नो. ठीक है. Once it goes to the president for his consent and he gives his consent, what will happen is this particular draft will become an act. Okay? But अब मुझे बताओ, एक बार ये act बन गया, क्या आपके और मेरे जैसे लोगों को ये act के बारे में पता चला है? हम तो वहां पे राष्ट्रपति भवन के बाहर बैठे नहीं हर रोज. ये तो हम पूछते नहीं है कि आप बता दीजिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज आपने कौन से बिल्स को साइन किया है, कौन से बिल्स आज एक्ट बने हैं. क्या हम लोग ऐसे करने के लिए हर रोज दिल्ली जाते हैं? हम तो हमारे घर पे बैठे हुए हैं. तो अब ऐसे केस में हमें पता कैसे चलता है? हम मतलब कौन है? वी आर आम जनता. आम जनता को पता कैसे चलता है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट आया? सिर्फ एक्ट ही क्यों यार, कितने सारे एक्ट्स है जिसमें अमेंडमेंट्स आते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अमेंडमेंट आया है कोई पर्टिकुलर एक्ट में या कोई नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है? जैसे कुछ साल पहले ही जीएसटी एक्ट आया था, 2013 में हमारा कंपनीज एक्ट आया था. तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई नया एक्ट आया है या कोई एक्ट में कोई अमेंडमेंट आया है? दीज थिंग्स आर कम्युनिकेटेड टू अस थ्रू, वेरी गुड, द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. बेसिकली ऑफिशियल गैजेट इज नथिंग बट इट इज लाइक अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. जैसे न्यूज पेपर होते हैं ना, न्यूज पेपर से हमें पता चलता है. न्यूज पेपर से हमें पता चलता है कि क्या देश भर में या विदेश में चल रहा है. वैसे ही अगर हमें कोई भी कानून के बारे में पता करना हो, वी गेट टू नो थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. स्टेट गैजेट भी होता है और इंडिया का जो ऑफिशियल गैजेट होता है वो इंडिया में सर्कुलेट होता है. वहीं से हमें पता चलता है क्या कोई नया कानून आया है, कोई एग्जिस्टिंग कानून में अमेंडमेंट आया है एंड वगैरह वगैरह. इसी से आम जनता तक ये न्यूज जो है वो पहुंचती है अबाउट द इंट्रोडक्शन और द अमेंडमेंट ऑफ एनी न्यू एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू अस. गेटिंग दिस और नो माई डियर फ्रेंड्स? अरे हाँ या ना? देखो आज 22 सितंबर है. अगर आज आप देखोगे, देखो 22 सितंबर में चार चीज आई है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का तो कुछ नहीं है, बट देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज क्या किया है? यस, अपॉइंटमेंट ऑफ सम कॉमन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी. और उसी से रिलेटेड ये जो फाइल है वो यहां पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल है. इट्स गेटिंग डाउनलोडेड. हुआ डाउनलोड? एक मिनट रुक जाइए. हाँ, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री जो ड्राफ्ट लॉ बनाती है वो डायरेक्टली जाके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है या बीच में कोई इंटरमीडिएटरी रहता है? ये जो चीज है ना, ये मैं बताने वाली हूँ रूल्स से रिलेटेड भी और एक्ट से रिलेटेड भी इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट. जो आपने सवाल पूछा है ना, कौन है जिसने पूछा है?
क्योंकि मैं तब नीचे देख रही थी जब उसने सवाल पूछा था. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट जब पढ़ाया जाएगा ना, तब डिटेल में इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, रिलेटिंग टू एक्ट ऑल्सो एंड रिलेटिंग टू रूल्स ऑल्सो. उसका पूरा प्रोसीजर है जो डिटेल में पढ़ाया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम, डोंट वरी. ओके, और अगर आज ही आपको पता करना है इस बारे में, व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू द यूट्यूब लिंक ऑफ माई लेक्चर, प्रीवियस बैच का लेक्चर, उससे आप देख के पता कर सकते हो. बट करंटली अगर मैं जाऊंगी ना डिटेल में, व्हाट विल हैपन इज बहुत सारे बच्चों को ओवरहेड्स चले जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ. जब पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा में आपको पता होगा ना, मैं आपको बताती हूँ. बताओ मुझे एक बात बताओ, इसने क्योंकि ये सवाल पूछा है, लोकसभा में रूलिंग पार्टी और लोकसभा में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? वेरी गुड. और रूलिंग पार्टी में क्या होता है? सिर्फ रूलिंग पार्टी. और लोकसभा में हो सकता है आपको रूलिंग पार्टी तो रहेगी, और रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी जो रहती है वो भी रहने वाली है. तो चलो, अब इसने क्योंकि सवाल पूछा है, चलो मैं कंटिन्यू कर ही लेती हूं. एक्ट कैसे बनाए जाते हैं वो आपने देख लिया. सबसे पहले देयर विल बी अ ड्राफ्ट, विल बी लेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, विल गो टू द प्रेसिडेंट, एंड फाइनली इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, जिससे आम जनता को समझ में आता है कौन सा एक्ट बना है, एंड अलोंग विद दैट कब से वो एप्लीकेबल होगा, किन किन लोगों को एप्लीकेबल होगा, एंड वगैरह वगैरह. बट अब देखो, दिस इज द प्रोसीजर टू मेक एन एक्ट. एक्ट जो है, एक्ट कैसे बनती है, हाउ इट इज मेड, नाउ यू केम टू नो अबाउट द प्रोसीजर, वी हैव डिस्कस्ड इट करेंटली. बट नाउ, मैंने कल आपको कहा था हम लोग एक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ. लॉ में क्या एक्ट तो आएगा, एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी आएंगे और क्या केस लॉज भी आने वाले हैं. तो ये जो रूल्स होते हैं जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो रूल्स कौन बनाता है? हु मेक्स द रूल्स? ऐसे आप लोग गेस वर्क कर रहे हो या जेन्युइनली पता है? हु मेक्स द रूल्स? गूगल कर रहे हो, गूगल कर रहे हो ना आप लोग? हु? लोकल अथॉरिटी का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे. यस, इट इज बेसिकली द रूलिंग पार्टी. वेरी गुड करिश्मा, हर्ष, वेरी गुड अर्चित बंसल, संभालो अपने आपको, कह रहा ह्यूमन मेक रूल्स. एकदम सही कह रहा, इंसान इंसान रूल्स बनाता है. बेटा आप नहीं होते तो क्या होता था आज? सुनो मेरी बात, द रूलिंग पार्टी मेक्स रूल्स. रूलिंग पार्टी जो है बेसिकली रूल्स बनाते हैं. सो बेसिकली अभी हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो रूल्स बना रही है. मतलब समझ लो, मोदी जी ने सोचा तो अगले दिन रूल बन गया. ऐसा क्यों होता है, लेट मी टेल यू. रात बोलना जरूरी था क्या? दिन में भी सोच सकते हैं ना. अच्छा, रात में ही डिमोनेटाइजेशन आया इसीलिए आप बोल रहे हो क्या? अच्छा बेटा, ठीक है. देखो, डिमोनेटाइजेशन से बहुत लोगों को दुख दर्द हुआ है, आप लोगों की भावनाएं मुझे समझ में आ रही है. क्या 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 नहीं छोड़ो, रहने तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप लोग. देखो मैं आपको बताती हूँ, रूलिंग पार्टी जो है बेसिकली वो इलेक्शन जीत कर आई है ना. सो बेसिकली जिसकी सरकार है दैट इज द रूलिंग पार्टी. अब ऑब्वियसली बात है, मेजोरिटी लोग जो है वो रूलिंग पार्टी के हैं. और अगर मोदी जी ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन करना है, मतलब बाकी सब लोगों ने तो हाँ ही बोलना है. मोदी जी ने सोच लिया, जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, स्मॉल कंपनी में ये जो 50 लाख और 2 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल और टर्न ओवर की लिमिट है, उसको हमें इंक्रीज करना है. तो हाँ, तो अब इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होके अब हमने 50 लाख को 2 करोड़ कर लिया, और इस 2 करोड़ को 20 करोड़ कर लिया. सो बेसिकली नहीं आ रही थी नींद एक रात मोदी जी को, बोला भाई कुछ तो अब अलग करना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. सोचा, और अगले दिन ये जो चेंज है वो हमने कर लिया. क्यों कर लिया, और ये चेंज इतने जल्दी पॉसिबल क्यों था? बिकॉज बेसिकली माई डियर फ्रेंड्स, रूल्स आर मेड
एंड रूल्स आर अमेंडेड बाय द रूलिंग पार्टी. रूल्स दोनों चीजें हाँ आर मेड, मेड मतलब बनाना, एज वेल एज अमेंड करना मतलब चेंज करना. दोनों भी चीजें जो है वो कौन करता है? रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी मतलब जिसकी सरकार है वो रूल्स बनाती भी है और रूल्स को चेंज भी करती है. तो इसीलिए रूल्स को बनाना और रूल्स को चेंज करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू एक्ट को बनाना और एक्ट को चेंज करना. ऐसा क्यों? एक्ट अगर हम बना रहे हैं, एक्ट में क्या हमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का अप्रूवल लगता है? और लोकसभा में रूलिंग पार्टी के साथ साथ क्या आपको ऑपोजिशन पार्टी भी दिखाई देगी? और ऑपोजिशन पार्टी का काम ही है ऑपोज करना, अरे नाम में लिखा है ना. तो क्या आपको लोकसभा में अमित शाह दिखेंगे? अरे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? क्या आपको आपके चहीते नहीं वो मैं नहीं कह सकती हूं. यस राहुल गांधी जी भी दिखेंगे, हाँ है ना. सब सारा तमाशा आपको दिखेगा, तोड़ा फोड़ी मारा मारी चिल्लम चिल्ली सब कुछ आपको दिखेगा. बिकॉज रूलिंग पार्टी के साथ साथ क्या होता है? ऑपोजिशन पार्टी. अरे तुम लोग कैसे भैया दे रहे, कितने बेशर्म हो तुम लोग. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, कल मैंने आपको हल्की सी झलक, हम तुम लोग चुप रहो नहीं तो मेरे को पनिश करना पड़ेगा आप लोगों को. सीरियसली इवन माय वर्चुअल स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिस्टर्ब, सिंसियर वर्चुअल स्टूडेंट्स. तो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रही थी. दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज चेंजिंग ऑफ रूल्स इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू चेंजिंग ऑफ द एक्ट. और कल मैंने आपको हल्की सी झलक दी थी, मैंने आपको कहा था एज कंपेयर टू द 2013 एक्ट एंड 1956 एक्ट, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एक साइड पे 1956 एक्ट है, एक साइड पे 2013 वाली एक्ट है. 1956 एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस थे और रूल्स बहुत कम थे, और हमने इसी चीज को चेंज किया है 2013 वाले एक्ट में. और 2013 वाले एक्ट में हमने क्या करने की कोशिश की है? हमने सेक्शंस कम से कम रखने की कोशिश की है और रूल्स ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की है. क्यों किया है हमने ऐसा? क्यों किया है? अरे बोलो ना, अभी तो मैंने बताया आपको पूरा रामायण तो अभी कह दिया. यस, बिकॉज रूल्स को चेंज करना इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू एक्ट को चेंज करना. एंड दैट इज व्हाई बहुत सारी चीजें हमने एक्ट में लिखी नहीं है. एक्ट में हमने लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब. सो बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक्ट के साथ साथ उसके नोटिफाइड रूल्स भी पढ़ने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा व्हाट आर द टोटल इंप्लिकेशंस ऑफ द प्रोविजंस रिटन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. और इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक्ट यस हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, एक्ट के साथ साथ हमको रूल्स भी देखने पड़ेंगे एंड ऑफकोर्स ऑल द जुडिशियल डिसीजंस दैट इज केस लॉज भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमने कानून को समझा है, हमने लॉ को समझा है. एंड दैट टाइम वुड बी द टाइम वी विल बी एबल टू आंसर टू द क्वेश्चंस आल्सो टू विच द इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. अदरवाइज सिर्फ एक्ट पढ़ने से कुछ मतलब नहीं होने वाला है. यू नो इनफैक्ट हाफ नॉलेज इज इक्वल टू नो नॉलेज ओनली. Because if you don't know what the rules are being prescribed, what is the point in understanding the act? आज अगर आप सिर्फ small company की definition देखोगे, act के हिसाब से 50 लाख और 2 करोड़ पढ़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है. Because there is a limit that is being prescribed under the rules, which is higher than 50 lakhs and 2 crore. So we also have to study the rules along with the आपकी नोटबुक्स है आप लोगों के पास. यस yes, तो आप वहां पे हेडिंग दीजिए नए पेज पे आकर और लिखिए हेडिंग दीजिए और लिखिए हाउ इज एन एक्ट मेड, हाउ इज एन एक्ट मेड. हेलो आर्यन, थैंक यू सो मच अभिषेक. लिखो
हाउ इज एन एक्ट मेड, हाउ इज एन एक्ट मेड, और फिर यहां पे लिखिए ड्राफ्ट बनाया जाता है. कौन ड्राफ्ट बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज इन द केस ऑफ कंपनीज एक्ट. हाँ, तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री. यहां पे हम लोग देख रहे हैं कंपनीज एक्ट कैसा बना है, इसलिए मैंने यहां पे एमसीए लिखा है. बाजू में आपको दिख रहा है राइट साइड पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एवरीवन हैज टू राइट डाउन इंक्लूडिंग माय वर्चुअल स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू ज्योति. अरुण कौन से शहर में बारिश हो रही है ये जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट कैसे बनाया जाता है. तुम लोग इतनी बातें क्यों करते हो बेटा, क्या हुआ है आपको, आपने लिखा क्या बताओ मुझे, झूठ मत बोलो. चलो आ जाइए. नहीं, मैंने म्यूट पे रखा हुआ है. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई ऑल डन विद द राइटिंग पार्ट. लिखा क्या आप लोगों ने? फेस टू फेस बच्चे, हाँ या ना? yes, पूरा लिख लिया? yes, नीचे एक्ट बन गया वो लिखा. तो क्या लिखा है आप लोगों ने? वर्चुअल स्टूडेंट्स का कब से लिखकर हो गया है? आप लोग बातों में रह जाओ. स्क्रीनशॉट लिया क्या उन्होंने? नहीं लिखा है उन्होंने. 10-15 दिन तो लिखेगी उतनी गारंटी है, उसके बाद हो गया. उसके बाद लिखो ना, वंस एन एक्ट इज मेड, एवरीवन प्लीज राइट डाउन बिलो दिस पर्टिकुलर पीपीटी, वंस एन एक्ट इज मेड it is published in the official gazette, it is published in the official gazette. It is published in the official gazette. रूल्स जैसे बनते हैं ना वैसे ही अमेंड होते हैं. तो रूल्स में भी ऐसे ही पूछा ना आपने, रूल्स अमेंड होते हैं या नहीं? नहीं, रूल्स अमेंड करने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती है. रूलिंग पार्टी ही रूल्स को अमेंड करता है. जो बनाता है ना बेसिकली, हाँ वही अमेंड करता है. तो अगर एक्ट पार्लियामेंट में बनी है वही प्रोसीजर फॉलो करके अमेंड होगी, और अगर रूल बना है तो जैसे रूल बना है बाय द रूलिंग पार्टी वही रूलिंग पार्टी रूल्स को अमेंड भी करेगी. एक मिनट, जो जब रूलिंग पार्टी होगी उसकी अथॉरिटी रहेगी. हाँ तो वही मैं बोल रही हूं ना, तो जो रूलिंग पार्टी है वो करेगी. तो उसके पहले तक तो पहले वाले का टर्म रहेगा ना. हो जाता है कभी कभार बेटा, उसको पानी पिला दो. मतलब ये इधर क्या आ गया बेटा, आपको क्या हो गया? इतनी प्यार मोहब्बत एक ही दिन में, गलत ट्रैक पे जा रहे हो वो भी आप. चलो आ जाइए, चलो सुनो मेरी बात. हम लोग शुरू करने वाले हैं विद द फर्स्ट एक्ट ऑफ आर सिलेबस, एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज द कंपनीज एक्ट 2000
2013. ओके, अब अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, प्लीज चेक आउट द स्क्रीन, यू विल रियलाइज हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है ना? सो क्या ये मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए लिखा है? क्यों लिखा है मैंने? ये पढ़ा था ना अपने फाउंडेशन में, तो बताइए किसको याद है? हाँ, वाई वाई कंपनीज का मैंने सी कैपिटल लिखा है, दिख रहा है ना आपको? एक्ट का मैंने ए कैपिटल लिखा है और फिर मैंने कॉमा करके 2013 लिखा है. वाई हैव आई रिटन द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन कैपिटल? देखो, अगर मैं चाहती थी मैं एक्ट को ऐसा भी लिख सकती थी, ऐसा भी लिख सकती थी ना मैं, बट ऐसा मैंने नहीं लिखा है और मैंने उसको ऐसा लिखा है. Why have I not written it in this manner? जो मैंने क्रॉस किया है और मैंने ऊपर जो है हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है? It's not a rule. Exactly. हाँ, और कुछ? हाँ, तो कुछ कुछ चीजें आपको पता है बट नॉट इन डिटेल. सुनो मेरी बात, मैंने ये फाउंडेशन में भी कहा था. आस्था बंसल कह रही है कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है ना? ये अपने सपने खुद सजाती है और अपनी दुनिया खुद बसाती है. ये इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में बताती हूं. अगर मैंने एक्ट लिखा है विद अ स्मॉल ए, ओके, एक्ट विद अ स्मॉल ए, इट विल मीन एन एक्शन. इट विल मीन एन एक्शन. जैसे कि हम लोग बहुत बार जब एक दूसरे से बातें करते हैं, हम लोग दोस्तों को भी बातों बातों में कह देते हैं, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर, हाउ कुड यू एक्ट, एक्ट इन द सेंस मतलब हरकत, आपने ऐसी हरकत करी कैसे, है ना? तो यहां पे जब हमने एक्ट लिखा है द कंपनीज एक्ट, क्या हम लोग यहां पे हरकत मीन करना चाहते हैं? नहीं, कंपनी की हरकत हम नहीं मीन करना चाहते. एक्ट मतलब जो मैंने कल आपको सिखाया था, एक्ट मीन्स सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज इंक्लूडिंग ऑल द प्रोविजोज एंड एक्सप्लेनेशंस एंड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो बेसिकली एक्ट विद अ कैपिटल ए हैज अ सर्टेन मीनिंग अंडर आर लेजिस्लेचर. सिमिलरली जब मैंने कंपनी इस शब्द को कैपिटल सी में लिखा है, कंपनी ये शब्द को समझने के लिए हम पूरा एक घंटा लेने वाले हैं, फुल वन आवर, टू ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, जैसे फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को डिफाइन करने के लिए हमने एक दो सेशंस लिए थे, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे पढ़ोगे? वैसे ही जब तक आपको यही नहीं पता है व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनी जब मैं लिखती हूं विद अ कैपिटल सी, यू डू नॉट मीन द वर्ड कंपनी व्हाट वी यूज इन लेमैन लैंग्वेज. कंपनी बेसिकली मीन्स टू हैव कंपनी, है ना? मतलब बेसिकली अगर आपको किसी का साथ है तो आप कहते हो यू हैव कंपनी. बट क्या आप वो साथ यहां पे कहना चाहते हो? नहीं. यहां पे जब मैं कंपनी इस शब्द को इस्तेमाल करती हूं, इट हैज अ टोटली डिफरेंट मीनिंग इन द आईज ऑफ लॉ, एंड व्हाट इट्स मीनिंग इज गिवन अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट, एंड वी कैन ओनली अप्लाई दैट मीनिंग व्हेन वी आर रीडिंग दैट एक्ट. एंड दैट इज व्हाई अगर शब्द का मतलब कुछ अलग है, उसको लिखने का तरीका भी हमने अलग लिखा है. एंड दैट इज व्हाई व्हेन एवर यू राइट डाउन द नेम ऑफ एनी एक्ट, कोई भी एक्ट यार, सिर्फ कंपनीज एक्ट हम क्यों देख रहे हैं? आप देख लो द इनकम टैक्स एक्ट, या तो आप देख लो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, या जो आपने पढ़ा है यार द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कोई भी एक्ट का नाम जब कभी भी आप लिखते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होता है दैट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल. और ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज योर पेपर इज अ सब्जेक्टिव पेपर,
इट्स नॉट एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर. अगर वो सब्जेक्टिव है, आप कोई भी सवाल का जवाब जब लिखोगे, सबसे पहले आपके आंसर की शुरुआत ही होगी विद द नेम ऑफ दैट, क्योंकि आपका फर्स्ट सेंटेंस ही होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. And then you will start writing the provisions that are stated in the act. Then you will analyze it, you will give the reference, and then finally you will give the conclusion. तो आपको compulsorily act का नाम तो लिखना ही है आपके जवाब में. But अगर आपने इस तरीके से, क्या हो गया ये? But अगर आपने इस तरीके से आंसर का मतलब एक्ट का नाम लिखा है आपके आंसर में, आई विल टेल यू द एग्जामिनर विल नॉट इवन चेक द रेस्ट ऑफ योर आंसर. फिर चाहे आपके बाकी के आंसर के प्रोविजंस करेक्ट है, रेफरेंसेस करेक्ट है, एनालिसिस आपका क्वेश्चन का करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, बट फिर भी लेट मी टेल यू, यू विल गेट 0 marks फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर. Because the institute is not going to entertain the answers of those students who don't even know how to write down the name of your act. Institute bolega, beta pehle ye to seekh lo ki act ka naam aapko kaise likhna hai. Agar aapko basics hi nahi pata hai, aapne law ko kya padha hai. So that is the reason why I want to invest a little time in this, and then of course हमें तो पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना ही है और प्रोविजंस तो हम पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक्स इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, फाइनल में जब आप पढ़ोगे ऑडिट लॉ, फाइनल में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब होगा, जब आप नोटिसेस का रिप्लाई ड्राफ्ट करोगे एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है. Otherwise, people will consider you as stupid chartered accountants who don't even know what the basic is. या ऑफिस में आपको कोई इज्जत नहीं देगा जब आपको यह पता नहीं होगा कि आपको कोई भी एक्ट का नाम कैसे लिखना है. If you are clearing the examination, obviously even your seniors and the chartered accountants जिनके नीचे आप काम कर रहे हो, they are going to presume that you know all this. Nobody in the office is going to explain you all these things. It is going to be presumed that you have learned or you have been taught all these things. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं जो शब्द से आप फेमिलियर हो एट द फाउंडेशन लेवल, एंड दैट वर्ड इज माइनर. ये शब्द आपने सुना है कहां पे, कौन सी एक्ट में पढ़ा है? शायद से पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है ना. सो जैसे हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने ये शब्द को देखा है माइनर, वैसे अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनर इस शब्द को डिफाइन नहीं किया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज गिवन अ रेफरेंस ऑफ अनदर एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, बट ठीक है दूसरे एक्ट का रेफरेंस है जहां पे फिर बताया गया है अ माइनर ही इज अ बच्चा, ओके, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज, है ना. एंड यस इन सर्टेन स्पेशल केसेस अगर बच्चा ऑर्फिन है तो वी से ही विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम ही हैज नॉट कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज. So basically a minor is a bachcha who has not completed 18 years of age. और general rule कहता है, मैं exceptions पे नहीं जा रही हूं, मैं general rule पे जा रही हूं. General rule कहता है a minor does not have the capacity to enter into contracts. फिर उसके कुछ exceptions है that he may be a beneficiary वगैरह वगैरह, उसमें मुझे नहीं जाना है, आपने foundation clear कर लिया है ना. So general rule क्या कहता है section number 11? Capacity to contract कहता है a minor does not have the capacity to enter into a contract. तो अगर किसी को contract enter करना है, should he be a major, sound mind and not disqualified by law? So basically in short you should be 18+, हाँ है ना. same to same शब्द is also being defined under another act, and that is the laws relating to marriage. जहां पे strictly कहा गया है that a minor cannot get married, okay?
तो माइनर की शादी आप नहीं कर सकते हो, सच अ मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो इन द आईज ऑफ लॉ. बट मैरिज से रिलेटेड लॉज जो है उसमें माइनर शब्द को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से डिफाइन नहीं किया है. माइनर इस शब्द को मैरिज से रिलेटेड लॉज में डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, जहां पे कहा गया है गर्ल्स कैन गेट मैरिड एट 18 और एनी टाइम आफ्टर 18. सो बेसिकली अ माइनर गर्ल के लिए इज 18, नॉट कंप्लीटेड 18, एंड बॉय के लिए इज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज. सो इफ अ बॉय वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही कैन गेट मैरिड ओनली वंस ही इज कंप्लीट 21 ईयर्स ऑफ एज. तो अब आप कहोगे मैम बहुत ना इंसाफी है, वाई शुड ओनली गर्ल्स हैव ऑल द फन? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट अ मैटर ऑफ फन. ओके, हर एक कानून जब कभी भी बनाया जाता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो कानून बनाया जाता है. ये ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है इन द प्रीएम्बल. क्या कहते हैं बोले तो? प्रीएम्बल. व्हाट इज द प्रीएम्बल? वी विल लर्न इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ओके, सो समटाइम्स व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट एक्ट इज मेड, यू रिफर द प्रीएम्बल. तो जब आप कानून बनाते हो ना, कानून को बनाने के पीछे एक मकसद होता है, और उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो? आप वर्ड्स को डिफाइन करते हो, और उसी डिफाइंड वर्ड का मतलब आप रिफर करोगे इन दैट पर्टिकुलर एक्ट. सिमिलरली देर इज वन मोर एक्ट. ओके, देर इज वन मोर एक्ट इन इंडिया. बेसिकली देर आर लॉज रिलेटिंग टू वोटिंग, जहां पे कहा गया इफ यू वॉन्ट टू बी एलिजिबल टू वोट यू हैव टू बी अ मेजर. मेजर इन शॉर्ट, माइनर्स के नॉट वोट, बिकॉज वी आर लुकिंग इन टू द रेफरेंस विद द वर्ड माइनर. माइनॉरिटी से रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं. सो अ माइनर के नॉट वोट. यू आर एलिजिबल टू वोट बट ओनली आफ्टर यू बिकम अ मेजर. बट वोटिंग से रिलेटेड जो इंडिया में कानून है ना, उसमें अब देर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यहां पे कहा गया है माइनर मेजर गर्ल बॉय डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बोथ कैन वोट वंस दे आर यस कंप्लीट 18 इयर्स ऑफ एज. सो वंस यू आर 18 यू आर एलिजिबल टू वोट. वंस यू आर 18 यू आर एलिजिबल टू वोट. अब जब कानून बनाया गया था रिलेटिंग टू वोटिंग, ओके, वोटिंग से रिलेटेड जब कानून बनाया गया था, तब देर वॉज अ पर्टिकुलर इंटेंशन वाइल मेकिंग द एक्ट्स. देर वॉज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वाइल मेकिंग दोज एक्ट्स, और उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फिर माइनर और मेजर इस शब्द को डिफाइन किया गया था. और इसीलिए कहा गया वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय डज नॉट मेक अ डिफरेंस. हमें लगता है 18 ईयर्स में अ पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पोलिटिकल एंड द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड इज एलिजिबल टू वोट. उतनी मेच्योरिटी उस बच्चे में अब आ चुकी है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको किसके फेवर में वोट करना चाहिए. यू कैनॉट कंपेयर, ऐसा आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हो कि मैम, ओ मैम, क्या सरकार ऐसा कहना चाहती है कि लड़के जो है वो घर तो चला लेंगे 18 की उम्र में, सॉरी देश तो चला लेंगे 18 की उम्र में, बट घर नहीं चला पाएंगे 18 की उम्र में. हाँ ना, मतलब नहीं चला पाएंगे इसलिए तो 21 की उम्र दी है शादी के लिए, बट देश चलाने के लिए 18 की उम्र दे दी है. नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऐसा आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप कंपेयर. ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि देश चलाने का अधिकार 18 पे दे दिया तो घर चलाने का अधिकार 21 पे क्यों दे रहे हो. क्या आप ये चैलेंज कर पाओगे इस फैक्ट को? नो. व्हाई? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आपका ऑब्जेक्टिव ही दोनों एक्ट्स को बनाने का टोटली डिफरेंट है. एंड कीपिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इन माइंड यू ड्राफ्टेड द वेरियस डेफिनेशंस. तो अगर आप देखोगे शब्द एक ही है, शब्द एक ही है माइनर, बट उसके मतलब जो है वो अनेक है. अलग अलग कानून में एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. यही कानून का खेल है. आप देखोगे बहुत सारे डेफिनेशंस है. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. एक डेफिनेशन है गुड फेथ की.
एक डेफिनेशन है गुड फेथ की, जो बहुत सारे कानून में दी गई है। गुड फेथ से आप रूबरू हुए भी होंगे। गुड फेथ को डिफाइन किया गया है अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट, गुड फेथ को डिफाइन किया गया है अंडर द इंश्योरेंस एक्ट, गुड फेथ को डिफाइन किया गया है इवन अंडर द आईपीसी, आईपीसी जानते हो इंडियन पीनल कोड, और तीनों भी जगह पे गुड फेथ की डेफिनेशन अलग अलग है। इंडियन पीनल कोड की गुड फेथ की जब आप डेफिनेशन को देखते हो ना, तो वहां पे लिखा गया एनी एक्ट दैट हैज बीन डन नेग्लिजेंटली, ओके सॉरी एनी एक्ट दैट हैज बीन डन ऑनेस्टली, एनी एक्ट दैट हैज बीन डन ऑनेस्टली विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट दैट हैज बीन डन इन गुड फेथ। बट जब हम जनरल क्लॉजेस एक्ट की गुड फेथ की डेफिनेशन देखते हैं, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट गुड फेथ को डिफाइन करता है एनी एक्ट दैट हैज बीन डन ऑनेस्टली वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट। सो बेसिकली कोई भी अगर एक्ट आपने नेग्लिजेंटली भी किया है, नेग्लिजेंटली मतलब समझता है क्या, केयरलेसली, नेग्लिजेंटली मतलब आपने कानून को कैसे किया है, हाँ लापरवाही से किया है, स्टुपिडिटी से किया है, केयरलेसली, यू आर नॉट केयरफुल, बट आपने ऑनेस्टली किया है मतलब आपका मन साफ था, आपके इंटेंशंस अच्छे थे, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट कहती है नहीं नहीं बेटा आपका इरादा अच्छा है ना, फिर आप स्टुपिड भी रहे हो तो भी चलेगा, हम मानेंगे कि आपने गुड फेथ में किया है। एक एग्जाम्पल मैं क्लासिक आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक पिक्चर आपने देखी होगी बहुत जमाने पहले आई थी ये पिक्चर, अक्षय कुमार की पिक्चर थी फिर हेरा फेरी, देखी आपने ये पिक्चर, नहीं नहीं देखी ना, दिखा हुआ मैम है ना, ये देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूं, यहां पे एक दिन क्या होता है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अक्षय कुमार मीट्स अनुराधा, अनुराधा ना, ये नाम बड़े याद रह जाते हैं आपको, अब बिपाशा बासु जो उसको कहती है हाँ 21 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, आप मुझे 10 लाख दो मैं 20 लाख 21 दिनों में दे दूंगी, आप 100 लाख दो मैं आपको 200 लाख दे दूंगी इन 21 डेज। ये बंदा, ये बेवकूफ बंदा जो है बिलीव कर लेता है उसकी बातों को और दे देता है ना 1 करोड़ रुपए, याद है क्या आपको, और 21 दिन बाद जब लक्ष्मी चिट फंड के ऑफिस में वो आता है, भाई ऐसा कोई ऑफिस था ही नहीं, सो बेसिकली डबल मनी बोलते हुए हो गया इनके साथ डबल धोखा। अब अगर आप देखते हो यहां पे अक्षय कुमार ने जब अनुराधा को वो पैसे दिए थे गुड फेथ में दिए थे, बट वो बंदा बेवकूफ था, मैं आपको आज बोलती हूं आप मुझे आपके घर के पैसे दे दो मैं 21 दिनों में आपको डबल दे दोगे, आप बिलीव करोगे मेरी बातों में, इट्स नॉट पॉसिबल यार, 21 दिनों में हाउ कैन समबडी डबल द मनी दैट यू आर गिविंग, फिर स्कैम किया ना उसने बड़ा, कैम हा या ना, इट्स नॉट पॉसिबल भाई, डबल करने के लिए लाखों को पूरी मतलब लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, एफडी का अगर आप रेट देखोगे 5% है, 6% माइनस 30% कर लो टैक्स दोगे आप, हा या ना, तो आपको जो इफेक्टिव रिटर्न आने वाला है वो 5% आएगा जो इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता है, सो बेसिकली आपका मनी सिर्फ इंटैक्ट है, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं आया है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका पैसा जितना है उतना ही रहा है, उतनी ही बात हुई है और कुछ नहीं हुआ है, रिटर्न तो छोड़ ही दो। सो हाउ कैन, मतलब अगर आप डबल द मनी की बात करो, डबल द मनी मतलब आपको समझ से 100% रिटर्न, क्योंकि अगर 100 रुपए का 200 दे रहे हो, 100 का 200 इज 100% वॉट यू आर गेटिंग, हाउ कैन somebody प्रोमिस 100% ऑफ वॉट यू हैव इन्वेस्टेड दैट टू इन 21 डेज, इट इज इम्पॉसिबल, आई एम नॉट इवन सेइंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज स्टुपिडिटी, नोबडी कैन बिलीव इन वॉट एवर यू आर सेइंग, और अगर मैं ये चीज कहती हूं और आप बिलीव करते हो तो यू आर बेवकूफ, आप बहुत आसानी से स्टुपिड बन जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। How is it possible to give you double the amount that you have given that too in 21 days? ये example मैंने आपको क्यों दिया? क्योंकि यहां पर अक्षय कुमार ने जो पैसा दिया था वो honestly दिया था but negligently दिया था। Negligently मतलब
लापरवाही से, उन्होंने कॉमन सेंस नहीं आजमाया. ही वॉज केयरलेस, ही बिलीव्ड इन वॉट शी सेड एंड ही गेव द मनी. जेंडर क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से इट विल बी सेड हिज डीड्स आर डन इन गुड फेथ. बट आईपीसी कहेगा गुड फेथ उत्फेट कुछ नहीं होता है. गुड फेथ तभी अप्लाई होगा जब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे. कल जाके कुछ भी आप कांड कर लोगे, हाउ विल वी प्रोटेक्ट यू अंडर द इंडियन पिनल कोड? देर शुड बी सम बेस टू इट. एटलीस्ट अ लिटिल कॉमन सेंस इज एक्सपेक्टेड. ज्यादा नहीं, आई नो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बट लिटिल कॉमन सेंस यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू हैव टू गिव द मनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ही विल नॉट बी एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट अनुराधा अंडर आईपीसी अक्षय कुमार. बट येस, जनरल क्लॉसेज एक्ट में पॉसिबल है बट नॉट अंडर द आईपीसी. Why? Because it will be considered his act is not done in good faith. Word ek, शब्द एक, but उसके मतलब अनेक. अलग अलग कानून में इस शब्द को अलग अलग तरीके से define किया गया है. Because every act has its own objective and its intensity to apply to various persons. हर एक कानून का एक impact भी होता है ना, और इंटेंसिटी भी होती है. तो किस इंटेंसिटी से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर कोई चीज फॉलो नहीं की है, कितने लोगों पे अफेक्ट हो रहा है, वो चीज भी जानना जरूरी है. तो अगर आप कंपनीज एक्ट भी देखोगे ना, पब्लिक कंपनीज की पनिशमेंट्स आर फार मोर स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज. क्यों? सिंपल लॉजिक है. प्राइवेट कंपनी है, सपोज प्राइवेट कंपनी है सर की और मेरी, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी है, हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है, हमारा मन है. कल जाके अगर पैसा बढ़ेगा भी, हमारा बढ़ेगा, और डूबेगा भी तो हमारा डूबेगा. क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा? नहीं. बट अब मुझे बताओ, कल जाके अगर एसपीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है और पैसा आप लोगों का है, मैं आपको कह रही हूं 10 रुपए दो शेयर होल्डर बन जाओ, 10 रुपए दो शेयर होल्डर बन जाओ, 10 रुपए दो शेयर होल्डर बन जाओ, अब आप लोग कंपनी के मालिक हो, हम लोग तो सिर्फ डायरेक्टर्स हैं. अब मुझे बताओ क्या आपको फर्क पड़ेगा कि हम कंपनी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने कुछ गलत किया है, इससे पैसा आपका डूबने वाला है. अगर बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, और डूबेगा तो आपका डूबेगा. सो यू कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग. और हम भी हर कोई चीज नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आम जनता का पैसा इन्वॉल्व है. तो ऑब्वियसली बात है, कंपनीज एक्ट शुड बी स्ट्रिक्टर फॉर दीज मैटर्स. क्योंकि मेरे मन में भी डर होना चाहिए कि कल जाके अगर मैंने कुछ गलत किया है, मेरे को फाइन तो होगा और जेल भी होगी. हाँ है ना? क्योंकि अगर वो डर मेरे मन में नहीं है, फिर तो मैं खुलेआम गलत करूंगी. तो ऑब्वियसली बात है, पनिशमेंट्स विल बी मोर स्ट्रिक्टर फॉर पब्लिक कंपनीज. मैं ये नहीं कह रही हूं कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन डालने से फ्रॉड हो ही नहीं रहे, फ्रॉड हो ही रहे, हम देख रहे हैं. जैसे कि देखा था सहारा में बड़ा स्कैंडल हुआ था, एंड सुब्रत रॉय सहारा वॉज ऑल्सो सेंट टू जेल फॉर 3 years फॉर द स्कैंडल ही डेड. जब हम सत्यम का भी स्कैंडल देखेंगे, आप देखोगे रामलिंग राजू वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू जेल. बट फाइनली देखो, अगर कानून नहीं होता तो आप सोचो क्या होता. कानून आने के बाद भी इतने सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं, अगर नहीं होता तो क्या होता सोचो. और इसीलिए कानून को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम ये तो नहीं कह सकते फुल प्रूफ कि कानून बना दिया मतलब अब कुछ स्कैंडल्स नहीं होंगे. ऐसे तो हमने ट्रैफिक रूल्स भी बनाए हैं, रेड मतलब स्टॉप, ब्लू मतलब सॉरी ब्लू बोल रही हूं मैं येलो मतलब गेट रेडी, एंड ग्रीन मतलब गो. बट हमने ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, सब कुछ किया है, बट हम ये थोड़ी ना कह सकते कि ट्रैफिक रूल बना दिया मतलब एक्सीडेंट जीरो हो गए. बट अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होते तो सोचो क्या हालत होते. हाँ है ना? अब कुछ तो हमें डर है, एटलीस्ट मामू जब है तब तो हमें डर है कि भाई है वो, तब सिग्नल फॉलो करते हैं. नहीं है तो अलग बात है, फिर और फास्ट गाड़ी भगाते हैं, बट दैट फियर इज देयर. तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तो कंट्रोल है जो होना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई इनफैक्ट जब हमने 2013 का एक्ट बनाया, जब हमने 2013 का एक्ट बनाया, तब आप देखोगे जब ये प्रोविजंस हमने बनाए ना, हमने एक्ट को इसी तरीके से बनाया है कि हमने सोचा है आज के जमाने के सारे लोग जो है ना वो चोरी है, चोरी है वो.
ऐसे इंटेंशन से हमने कानून को बनाया, इसलिए जब आप सेक्शन नंबर 7 भी देखोगे ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, वहां पे इनकॉर्पोरेशन के वक्त देयर इज अ प्रोविजन जहां पे कहा गया है यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में जहां पे आप लिखते हो कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है इन रिलेशन टू फॉर्मेशन, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी इन द पास्ट 5 years, और अगर ये चीज आपने की है, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम द डायरेक्टर और द प्रमोटर ऑफ एनी कंपनी। सो आज के जमाने में अगर सुब्रत रॉय सहारा नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सोचा ही है वो चोर है। एंड इफ ही इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू दैट डिक्लेरेशन, ही विल नॉट बी एबल टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। सो बदलते वक्त के साथ ये स्कैंडल्स को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने हमारे कानून को भी बदला है, एंड दैट इज वाई वी इंट्रोड्यूस्ड द कंपनीज एक्ट 2013। ये 2013 जो है वो क्या है, इज इट माई लकी नंबर, वॉट इज इट देन? Yes, it is the year in which this act was made. Yes, it was passed. It came into enforcement. क्या बोलते हैं उसको? It came into enforcement. तो ये 1881 is the year in which the Negotiable Instruments Act came into enforcement. या तो फिर हम कह सकते हैं और कौन सी acts है आप लोगों को, the Companies Act 2013. या हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। खैर 1872, 1881 ये सारे एक्ट्स जो थे, दोज एक्ट्स वर मेड बिफोर द पार्लियामेंट वाज, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक बना नहीं था, है ना? सो बेसिकली उस समय पे तो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, तो वो जनरल क्लॉजेस एक्ट पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा संविधान बनने के पहले, पार्लियामेंट बनने के पहले एक्ट्स कैसे बनते थे या रूल्स कैसे बनते थे, क्योंकि उस जमाने में तो नहीं था ना, 1881, 1872 इंडिया इंडिपेंडेंट था या रूल्ड था बाय ब्रिटिशर्स? तो तब जैसे आज के जमाने में इट इज द प्रेसिडेंट ना, उस जमाने में इट वाज द गवर्नर जनरल जिसकी पोजीशन है, आज की पोजीशन अगर हम कंपेयर करें टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस मेथड से जो हम पढ़ने वाले हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में, वहां पे कानून कैसे बनते थे वो देखने वाले। डोमिनियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब समझते हैं आपको, इंडिया इंडिपेंडेंट पहले हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना? सीरियसली, हे भगवान, अब मैं पूछू कि इंडिपेंडेंस डे क्या, उसमें भी मेरे को दो जवाब मिलेंगे। हाँ मतलब वही ना, अरे मेरे भाई, इंडिया इंडिपेंडेंट होगा उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना। देखो मैंने अभी कहा कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, कॉन्स्टिट्यूशन पहले कैसे बन सकता है अगर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है तो? So there was a period of certain years जहां पे इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया था बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। ऐसा तो नहीं था आज इंडिपेंडेंस मिला और अगले दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पार्लियामेंट बना। There was a period of years इंडिपेंडेंस मिलने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, तो ये जो समय होता है ना, दिस इज नोन एज द डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या होता है बोले तो? डोमिनियन। उस समय में भी कुछ एक्ट्स बने थे, इंडिपेंडेंस के पहले भी कुछ एक्ट्स बने थे, और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का तो सॉर्टेड है, वो कल ही देखा हमने, आज ही देखा ना, टैक्स में भी और लॉ में भी, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद मतलब पार्लियामेंट आया, लोकसभा आया, राज्यसभा आया, उसके बाद तो कैसे एक्ट्स बनते हैं, या आपने आज ही देखा है मिनिस्ट्रीज ड्राफ्ट बनाते हैं, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में इट इज लेड डाउन, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन विल गेट हिज कंसेंट एंड देन इट विल बिकम एन एक्ट। बट डोमिनियन लेजिस्लेचर में अलोंग विद दैट जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले भी एक्ट कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं, बट अभी यहां पर नहीं, कहां पर देखेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट में। करेंटली तो हम लोग कौन सा एक्ट देख रहे हैं? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब पास हुआ है? 2013। क्या इंडिपेंडेंस के पहले हुआ है या बाद में हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन तब था या नहीं था? तो ये जो प्रोसीजर आज बताया था, क्या वही फॉलो हुआ था कंपनीज एक्ट को बनाने के लिए? तो क्या अभी के लिए ये चीज सफिशिएंट है? क्या ये नॉलेज अभी के लिए एडिक्वेट है? और जब
जो नॉलेज जरूरी रहेगा, मतलब 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, या अगर हम जनरल क्लॉजेस एक्ट देखेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कैसे उन कानून को बनाया गया था। आज सब कुछ नहीं आपको बताना चाहती हूं, अदरवाइज फेल हो जाएगा सिस्टम आप लोगों का। पहले से ही हमारा लॉ का सब्जेक्ट है इज द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर की थकान मेरे सब्जेक्ट में ही उतरेगी, हाँ या ना, या तो कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में, क्योंकि कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में आधी नींद में हो गए आप लोग। आई डोंट नो, अभी एक ये क्वेश्चन ना दस दिनों बाद पूछोगे मैं आपको, ठीक है, क्योंकि अभी तो जोश है, एंथुजियाज्म है, सब कुछ है बेटा। अब धीरे धीरे नेटफ्लिक्स आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, तो रात की 12 से 1 से 2 कब बजेगी समझ में नहीं आएगा, फिर लोगों के पास एक ही एपिसोड, वो एक एपिसोड के एंड में जो ट्विस्ट आएगा लगेगा बस दूसरा देख ही लेते, 20 मिनट का तो है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करते करते सीरीज कब खत्म हो जाएगी और रात की 3 कब बज जाएगी, फिर सुबह खुलेगी ही नहीं आंख, हाँ है ना, फिर सर को बोलना पड़ेगा सर हम गिर गए थे और लग गई थी, कहां गिरे थे बेटा, कहां लग गई बेटा, बेड पे गिर गए थे और आंख लग गई थी हाँ है ना, तो वो हम आपको पूछेंगे 2 हफ्ते बाद कि क्या हालत हुई आपकी। लेट्स सी, तो जब जो नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगा वो हम आपको बांटेंगे। आज हम आपको करंटली ओवरबर्डन नहीं करना चाहते हैं विच टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज करंटली आई टोल्ड यू ऑल आई वॉन्ट यू ऑल टू एडजस्ट इन द फर्स्ट वीक, to come in that rhythm. Once you get in that rhythm, na, then nobody can stop you. Now there are many external factors that are having an impact on you. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि और इन चीजों से भी आप लड़ो और हार जाओ, पहले बाकी सारी चीजें सेटल कर दो। एक बार बाकी सारी चीजें सेटल हो जाती है फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑब्वियसली आप खुद ही समझ जाओगे भाई फाउंडेशन जितना लाइटली नहीं ले सकते इंटर को, भाई इज्जत देनी पड़ेगी इंटर को हमें, है ना, एक बार बुक साथ में आ जाएगी ना खुद ही आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर लेवल। ये फाउंडेशन की बुक्स चारों सब्जेक्ट्स की इतनी और ये एक ही सब्जेक्ट की इतनी बुक्स हो गया है, चारों सब्जेक्ट्स की यहां तक बुक्स पाइल अप होने वाले, सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड, एंड इनफैक्ट एवरी डे अ लॉट ऑफ नॉलेज इज गोइंग टू बी शेयर्ड। आप सोचो हर रोज 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटे या टैक्स का 3-3 घंटे, हाँ ये बोलना जरूरी था ना, तो नहीं टैक्स का वैसे भी 3 घंटे ही डिसाइडेड है, तो देर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट यू आर गेटिंग एवरी डे एवरी वीक एंड एवरी मंथ एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अराउंड 6-6.5 months, है ना, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज बट इट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सिर्फ आपको थोड़ी सी हाँ मेहनत करनी है और खुद पे भरोसा रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार बच्चे खुद का कॉन्फिडेंस ही लूज कर लेते बिकॉज येस दे बिकम नर्वस, दैट शुडंट हैपन। बस वो एक चीज अगर आपने संभाल ली ना, खुद पे कॉन्फिडेंस आपने थ्रू आउट बता लिया ना, पॉजिटिव रिजल्ट इज फॉर श्योर। खुद से ही हिम्मत मत हारो, अगर आप खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो देन देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डीमोटिवेट यू, दिस इज फॉर श्योर, वेदर इट इज योर फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर देयर टू डीमोटिवेट यू, और फिर वो ये बोलने में नहीं छोड़ेंगे कि भाई देखो फाउंडेशन क्लियर कर लिया ना, अभी अप्रिशिएट करेंगे कल जाके, हाँ सीरियसली मैं आपको बोलती हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, ये बच्चों की कहानी बस मेरी जुबानी है, इंटर में वो फेल हो जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैम फ्रेंड्स छोड़ो रिलेटिव भी बोलते हैं कि मैम फाउंडेशन तो इसका फ्लूक से पास हो गया, वैसे वो बोलते हैं। सो बेसिकली फिर आपने फाउंडेशन में जो मेहनत की है ना उस पर भी पानी चले जाता है, अब वो ये कहने लग जाते हैं कि फाउंडेशन इसका ऐसे ही हो गया होगा, उसका लक था, लक हमको ही पता है हमने कितनी मेहनत की थी और लक कितना था, हाँ ठीक है लक 1% होगा बट मेहनत हमें पता है 99% है, बट उसको वो रिवर्स कर देते हैं, ऐसा बताते हैं वो लोग कि हमारा मेहनत 1% था लक 99% था जिसके वजह से हम पास हो गए फाउंडेशन, और क्योंकि हम मेहनत नहीं की ना होशियार नहीं ना इसलिए इंटर फेल हो गए, सो वी डोंट वॉन्ट दैट टू कम टू अस, वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग कि इट वॉज नॉट लक, इट इज हमारी मेहनत एंड टीचर्स का गाइडेंस जिसके वजह से हम फाउंडेशन भी क्लियर हुए और इंटर भी हम क्लियर हुए, किसी को भी हमें यह बोलने का मौका देना नहीं है, एंड दिस विल ओनली हैपन इन इंटर बिकॉज इंटर इज योर क्रिस्टलाइजेशन स्टेज, देर इज अ बिग लीप इन फाउंडेशन एंड इंटर, अगर आप वो जम्प की बात देखोगे ना देर इज अ बिग लीप इन फाउंडेशन एंड इंटर, इंटर और फाइनल में इतना नहीं है, बिकॉज इफ यू हैव क्लियर इंटर ना
you have already crystallized. Now it is only polishing. And that polishing also has too much of time, 3 years ka time. Kyunki aap socho na, inter ke 3 saalon baad aapka final hota hai. Tab tak aapki articleship ho jati hai. बहुत सारे लोगों से आप रूबरू हो जाते हो, आपके दूसरे आर्टिकल असिस्टेंट्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉस, आपके क्लाइंट्स, तो उससे क्या हो जाता है ना, आपको दुनियादारी समझ में आ जाती है. यू योरसेल्फ गेट मैच्योर्ड प्रैक्टिकली. तो वो मैच्योरिटी आपको खुद ही आ जाती है. और आप खुद सोचो यार, आपने फाउंडेशन में 6 महीने दिए, इंटर में साल दिया, और आर्टिकलशिप के लिए 3 साल दिए, मतलब आपने सीए कोर्स को कितने दिए हैं, 5 साल. फाइनल में आने के बाद आप अब आपकी जिंदगी के 5 साल को लाइटली नहीं ले सकते हो. ये आपके दिल से आएगा, दिल से, दिमाग से, मतलब तन मन धन सबसे आएगा. यार कितना पैसा डाला है कि नहीं, कितना समय डाला है, और साथ में कितने एफर्ट्स डाले हैं. आप खुद सोचोगे कि एक अटेम्प्ट के लिए मैं अपने 5 साल जिंदगी के पैसे, मेरा समय, जहां पे सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बाकी के दोस्त, मैंने वो सब सैक्रिफाइस किया, अब मैं क्यों ये सब स्टेक पे डालू ओनली फॉर लिटिल टाइम की मस्ती. वैसी वो चीज होगी. तो वो चीज अंदर से आएगी. अभी क्या हुआ है, आपने जिंदगी के सिर्फ छह महीने डाले. पैसा मम्मी पापा ने डाला है, आपका कुछ खोने के लिए था ही नहीं. समझने की कोशिश करो. तो वो मैच्योरिटी आज नहीं आया है, बट ये आपने 9 महीने भी नहीं, आप लोगों के लिए तो 7-7.5 महीने ही है. आपने अपने आप को संभाल लिया ना, बिलीव मी, आपकी लाइफ सॉर्टेड है. आई नो ये एज ऐसा एज है जहां पे मस्ती करने की भी सबसे ज्यादा इच्छा होगी, बट अनफॉर्चुनेटली करियर भी सबसे सही सेट इसी एज में होने वाला है. सो दीज 7 मंथ्स यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूं. ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स. चीजें और लोगों के पीछे मत भागो. अभी ये हंस रहे, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है. आज जिनके पीछे आप भाग रहे हो वो बाद में आपके पीछे भागेंगे. हाँ, सीरियसली. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको एक चीज एकदम फ्रैंकली बताती हूँ, ठीक है? ये कोई नहीं कहेगा, टीचर नहीं कहेगी, आप समझ लो मैं आपकी दोस्त हूँ, सीनियर दोस्त हूँ. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सीरियसली मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप लड़कियों के पीछे भागते हो ना, वो आपसे और आगे भागेगी. सीरियसली आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि अगर कोई चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती है. बिलीव मी, अभी अगर आप बिलीव कर ले तो इट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस कर लोगे इस चीज को. एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दैट. यहां पे बैठी कोई भी लड़की को आप पूछ लो, जो लड़का उसके पीछे पीछे आएगा, बार बार मैसेज करेगा, बार बार कॉल करेगा, इरिटेटिंग लगता है या नहीं इरिटेटिंग? बिलीव मी, वी विल नॉट वैल्यू यू. डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्फ. जिंदगी में कुछ करो, वी विल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड. Why you want to run behind when you are nothing? For us, it is like, अरे मतलब what have you achieved in your life? Nothing ना, ना degree है, ना job है, ना अपना पैसा है. जो भी it is because of your parents only. समझने की कोशिश करो. So हम लोग क्यों आपको ध्यान देंगे या क्यों हम भाव देंगे आपको? So don't run behind things also and people also. Make yourself to that level that people and things will get attracted to you. वैसे इंसान बनो ना. उसके लिए मैं आपको बोल रही हूं, सबसे ज्यादा जो है वो होने वाला है इसी 7 मंथ्स के दौरान. बाद में चीजें सॉर्टेड है रहे. एक बार क्लियर हो जाते हो ना, इंटर आर्टिकलशिप लग जाती है. एंड इफ इट्स अ गुड फर्म, से आपकी बिग फर्म में आर्टिकलशिप लग जाती है, इट इज 100% श्योर. इफ यू आर गेटिंग आर्टिकलशिप इन अ बिग फर्म एंड यू क्लियर योर सी एग्जामिनेशन, दे विल रिक्रूट यू इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवर देयर. क्योंकि वो भी आपको नहीं खोना चाहते, 3 साल उन्होंने आप में इन्वेस्ट किए हैं. अब आप समझ चुके हो कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उनके कौन से डिपार्टमेंट्स है, उनके कौन से क्लाइंट्स है. क्लाइंट्स से रैपो हो गया है, दे विल नॉट लाइक टू लूज यू. और अगर किसी और को रिक्रूट करना है, वाई नॉट टू रिक्रूट यू ओनली. आपने ऑलरेडी 3 साल उनमें डाले हैं, और आप भी वहीं पे काम करना चाहोगे. क्योंकि अगर आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सब कुछ नया होगा, सीखते सीखते ही आपको 6 महीने लग जाएंगे. तो आपको क्यों 6 महीने उसमें डालना है? उसके बदले 6 महीने ऑलरेडी आपको कल्चर पता है, लोग पता है, डिपार्टमेंट्स पता है, क्लाइंट्स पता है. आप अब सिर्फ दिमाग लगाओगे और पैसे कमाओगे. सो आपकी लाइफ इज सॉर्टेड. सेम गोज टू अ मिड साइज फर्म ऑल्सो. सब कुछ, सब कुछ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दीज 7 मंथ्स. बस 7 मंथ्स आपने अपने आपको संभाल लिया ना, बिलीव मी योर फुल लाइफ इज सॉर्टेड. रे
एक बार बिग फोर के साथ आप काम करने लग जाओगे ना, उसके बाद क्या है, और कुछ नहीं है, पैसे ही पैसे है। काम करो, वैसे भी सिर्फ क्या 10 से 6 काम करना है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, बट पॉजिटिव सोचे अगर, ठीक है तब कोरोना चले जाए तो अच्छा ही है, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जितने लोगों से मिलते हो उतना ज्यादा सीखते हो, सीखते हो आप, जितने आप घर पे बैठे हो किसी से कुछ नहीं सीखोगे, ऐसे लगेगा मैं ही भारी हूं, बट जब आप 10 लोगों से मिलोगे यू विल अंडरस्टैंड एवरी पर्सन हैज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। किसी का हो सकता है ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, किसी का हो सकता है कम्युनिकेशन सेंस अच्छा है, किसी का हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है, किसी का हो सकता है हैंडराइटिंग अच्छी है, हर किसी पर्सन में कुछ तो होगा ना जो अच्छा है, ठीक है उसमें 10 चीज बुरी होगी बट एक तो चीज होगी ना जो अच्छी है, और आपको क्या करना है वही एक चीज को सीखना है उससे, तो तब आप इंप्रूव होगे एज एन इंडिविजुअल। आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको तो यही लगने वाला, अरे मैं बहुत भारी हूं, अरे आपने देखा ही नहीं है लोगों के पास क्या अच्छी क्वालिटीज है। सो यू हैव टू डू दिस, और आप तो कितने लकी हो, फेस टू फेस बैच है आप लोगों की, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, यू हैव टू इंटरैक्ट, ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहना है मैं बस मैं हूं और बाकी सब कम है, ऐसा कुछ नहीं एटीट्यूड रखना है, लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, एवरी पर्सन हैज समथिंग गुड टू शेयर और सर्टेन एक्सपीरियंसेस, और कुछ नहीं होगा तो दैट पर्सन विल शेयर द बैड एक्सपीरियंसेस एंड यू विल फील हाउ लकी यू आर। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती है फिर भी उन्होंने कितना झगड़ के जिद पकड़ी है सीए कोर्स करने की, वो सीखो उससे, आपके पास तो सारी फैसिलिटीज है, मम्मी पापा ने सारी फैसिलिटीज आपको दी है, चाहे वो कपड़े है, स्मार्ट मोबाइल फोन है, या अच्छी हॉस्टल हो, या क्लासेस के लिए अच्छे खासे पैसे हो, सब कुछ दिया है, बट वहीं पर दूसरा बच्चा जो है वो उतना लकी नहीं है, कितनी मेहनत करके उसने फाउंडेशन क्लियर किया है और आज उसने वो जिद पकड़ी और बोला मैं सीए करूंगा ही। कुछ बच्चे को पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है, वो भी एक चीज होती है, बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट होती है पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट कि हाँ बेटा तू कर ले, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। बहुत सारी लड़कियों के लिए वो चीज होती है, जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहती हूं पेरेंट्स डोंट सपोर्ट प्रोफेशनल लर्निंग फॉर अ गर्ल चाइल्ड, उनको ऐसा लगता है लड़की पढ़ के क्या कर लेगी, वैसे भी उसको घर में काम ही तो करना है किचन में। सो यू ऑल शुड फील लकी कि आपके पेरेंट्स वैसे नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी है, मैंने खुद देखा है, जहां पे उन्हें करना है वो होशियार भी है एज कंपेयर टू देयर ब्रदर, बट नहीं, क्योंकि वो लड़का है तो उसके भाई को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप लड़की हो आपको पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो दिस एटलीस्ट वी डोंट हैव इन आवर लाइव्स, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे घर वालों ने, हमारे भाई बहनों ने हमें सपोर्ट किया और बोला है तुझे सीए करना है तू कर, कोई टेंशन नहीं है, उस चीज के लिए हम लकी है। बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है बच्चा होशियार होता है बट फैमिली बिजनेस है तो बोला जाता है नहीं नहीं तू पढ़ के भी क्या करने वाला है, तेरे को फैमिली बिजनेस ही संभालना है तो तू मत कर सीए, उसके बदले तू मस्त MBA कर ले कोई भी कॉलेज से, जा लंदन जाके आ जा, अमेरिका जाके आ जा, वहां की डिग्री लेके आ जा, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी, वैसे एटीट्यूड भी होती है। हाँ सीरियसली आई हैव सीन ऑल दिस एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये देखा है मैंने, बट आप लोगों ने चाहा सीए करने के लिए और आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड बी लकी फॉर दैट, बिलीव मी। नहीं तो फिर अगर धंधा ही करना है बीकॉम करके ही धंधा करो ना, मजे मार के, क्यों दिन, हाँ बीकॉम करने वाले क्या कर रहे हैं, मजे ही कर रहे हैं ना, कॉलेज वाले जब तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लॉग इन कर लिया, बाकी मजे करना है, घूमना फिरना, अय्याशी करना, मौज मस्ती करना, और फिर क्या करना है आपको, बिजनेस में तो जाना है ना, वो ही कर लो, तो आपको एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी मिली है टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिलीव मी नॉट एवरीबडी गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यू आर गेटिंग इट, यू आर वेरी लकी, एंड ऊपर से ऐसे टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपको पुणे भेजा है फेस टू फेस क्लासेस करने के लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, सोचो आप इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यू हैव टू थिंक एवरी डे कि मैं क्या कर सकता हूं ताकि मैं एक बेटर इंसान अगले दिन बनूं। हो गया शायद ठीक, चेक 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 चेक।
ओके यस हो गया ठीक. So yes, what was I saying is that if you have got this opportunity, take the best out of this opportunity. तो इससे आपकी self growth होगी as an individual. और आपको खुद अपने ऊपर गर्व होगा कि yes, जो person जिस तरह से मैं आया था और मैं पुणे से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का difference है and I have made the correct choice of coming down to पुणे. है ना? सही तरीके से अगर आप करोगे तो everything is possible. Provided you know that consistently you will have to work hard. ठीक है, चलो कुछ मेरे पास 15 मिनट बचे हुए हैं, उसमें मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. देखो मैं यही बात इसको कंक्लूड करती हूँ. कोई भी कानून का जब आप एक्ट कोई भी कानून का जब आप नाम लिखते हो, आप क्या करने वाले हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखोगे. और क्यों कैपिटल में लिखा जाता है? इसीलिए कैपिटल में लिखा जाता है बिकॉज एवरी वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग विच यू हैव टू रिफर इन दैट पर्टिकुलर एक्ट टू व्हाट इट मीन्स. जैसे कि हम लोग शुरू करने वाले अगले ही टॉपिक से एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी. तो कंपनीज एक्ट, कंपनी से ये वर्ड आया हुआ है. तो कंपनी ये जो शब्द है, कंपनी ये जो शब्द है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कंपनी? हम किसी का साथ कंपनी को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं. जब हमें कंपनी इस शब्द को इंटरप्रेट करना है, वी हैव टू लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. और इसी डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग इस वर्ड को समझोगे. इसी डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या करोगे, इस शब्द को आप समझोगे. बट जब हम कंपनी शब्द को देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, जब हम कंपनी इस शब्द को देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है. आप लोग रीड कर सकते हो क्या मेरे साथ? कंपनी मीन्स, नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, उसको इरेज कर देती हूं. ये जो ब्लू में है ना, मैं हाईलाइट कर देती हूं. ये देखो, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस. ये डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं है. कंपनी मीन्स व्हाट? लॉ मेकर्स कहते हैं कंपनी मीन्स कंपनी. जैसे कि मैंने पूछ लिया मोबाइल मतलब क्या, तो आप बोलोगे मैम मोबाइल मतलब मोबाइल. मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल मतलब मोबाइल. बट व्हाट इज अ मोबाइल और व्हाट इज अ कंपनी, वी डू नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय दिस डेफिनेशन. ओके, वी डू नॉट अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन बिकॉज लॉ मेकर्स ओनली से अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. अंडर दिस एक्ट, देखो दिस एक्ट मतलब विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो मैंने आपको बताया था 2013 इज नॉट द एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली फॉर कंपनीज. 2013 के पहले भी कंपनी से रिलेटेड कानून बने हुए थे. जैसे कि 2013 के पहले इट वॉज द कंपनीज एक्ट 1956. 1956 के पहले इट वॉज द कंपनीज एक्ट 1913. ओके, तो 2013 के पहले भी बहुत सारे लॉज बने हुए थे रिलेटिंग टू कंपनीज, रिलेटिंग टू कंपनीज. सो पहली बात, तो अगर आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, देन इट इज अ कंपनी. जैसे कि से फॉर एग्जांपल स्वप्निल पटनीस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन से 1st of May 2021, से एग्जाम्पल 2021. सो इज इट आफ्टर 2013? सो इज इट अ कंपनी? एंड इफ इट इज अ कंपनी, क्या उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा?
बट एक दूसरी कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2008. तब क्या 2013 वाला एक्ट था? 2013 वाला एक्ट नहीं था. तब कौन सा वाला एक्ट था? 1956 वाला एक्ट था. ओके, तो अब रिलायंस पावर लिमिटेड को भी क्या कंपनी माना जाएगा अंडर द 2013 एक्ट? बिकॉज अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1956 एक्ट में, या अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इवन अंडर 1913 एक्ट, स्टिल यू विल बी रिगार्डेड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. एंड इफ यू आर रिगार्डेड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, क्या आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? और अगर आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, क्या आपको 470 सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे? तो क्या एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड को 470 सेक्शन फॉलो करने हैं? हाँ. क्या रिलायंस पावर को भी ये 470 सेक्शन फॉलो करने हैं? अरे करने हैं या नहीं करने हैं? सारी कैटेगरीज के कंपनीज को ये कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा. बट व्हाट इज अ कंपनी, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया है. ओके, डेफिनेशन से सिर्फ इतना समझा, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. बट व्हाट इज अ कंपनी, वी डिड नॉट स्टिल अंडरस्टैंड दिस, वी विल अंडरस्टैंड टुमोरो. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. और कल मैं क्या करूंगी, वर्चुअल स्टूडेंट्स के लिए कल के लेक्चर में, लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, उसी लिंक को क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. एंड फॉर द फेस टू फेस स्टूडेंट्स, आप लोग ऑफिस से कल क्लास में आने के पहले वो नोट्स को कलेक्ट कर लेना. ठीक है, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद, कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू.